नमस्कार, मैं हूं फरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। दुनिया भर में कोरोना का कहर अब तक कम नहीं हुआ है। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। तो वहीं कोरोना वैक्सीन बनने के बाद अभी सबने सुकून की सांस ली ही थी कि अब वैक्सीन को लेकर भी एक विवाद शुरू हो गया है। चाइना में बनने वाली कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल करने से कई धार्मिक संगठनों ने मना कर दिया है। उनका कहना है कि इसमें पोर्क यानी के सुअर के मांस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उनके धर्म के अनुसार प्रतिबंधित है। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि सुअर के मांस का इस्तेमाल कर बनाई गई कोविड-19 टीके इस्लामिक कानून के तहत जायज है भी या नहीं। हालांकि ये माना जा रहा है कि सिर्फ चीन की ही नहीं बल्कि किसी भी कोरोना वैक्सीन में सुअर के मांस का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके बाद इसके इस्तेमाल को लेकर विवाद तेजी से बढ़ गया। इस तरह के विवाद से टीकाकरण अभियान में रुकावट भी आने की उम्मीद है। दरअसल टीके के स्टोरेज और धुलाई में उसको सुरक्षित रखने के लिए सुअर के जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कंपनियां इसके इस्तेमाल के बिना भी वैक्सीन तैयार करती हैं। स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी नोवार्टिस ने सुअर का इस्तेमाल किए बिना मेनिनजाइटिस टीका तैयार किया था। वहीं सऊदी और मलेशिया ने भी ऐसे टीके बनाए हैं। वहीं पफाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका के स्पीकर्स ने कहा है कि उनके कोविड-19 टीकों में सुअर के मांस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने इसके इस्तेमाल की बात स्पष्ट की है। आपको बता दें, वैक्सीन में पोर्क जिलेटिन के इस्तेमाल को लेकर विवाद नया नहीं है। सबसे पहले इंडोनेशिया में 2018 में उलेमा काउंसिल ने चेचक और रूबेला के टीकों में जिलेटिन की मौजूदगी बताकर उन्हें हराम करार दिया था। हालांकि बाद में काउंसिल ने इसके इस्तेमाल की इजाजत दे दी थी, क्योंकि दवा के तौर पर अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये हराम नहीं होता। अगर चीन में बनी वैक्सीन के बारे में बात करें तो मुंबई में बुधवार को 9 मुस्लिम संगठनों के महासचिव और रजा एकेडमी के मोहम्मद सैयद नूरी ने कहा, मुंबई में हमारे लोगों की मीटिंग हुई जिसमें 9 संगठन शामिल हुए। इसमें फैसला लिया गया है कि चाइना में बनने वाली वैक्सीन का इस्तेमाल मुस्लिम नहीं करेंगे। हालांकि इस विवाद के बीच भारत बायोटेक ने अपने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए आवेदन किया, जिसमें पहले और दूसरे चरण के परीक्षण को पूरा करने के बाद भारत में 25 केंद्रों पर 26,000 वॉलंटियर्स पर तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल को किया जा रहा है। अब इस मुद्दे पर सभी धार्मिक संगठनों का आगे क्या फैसला होता है, ये जानने के लिए आप अभी मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप रह सके देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट।